गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो स्टूडेंट? जय श्री एल जी। जितेंद्र सर, तो गुरु नीति का एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा ये जो सीरीज है, अभी 23 वीडियो इसमें बायोलॉजी के आज बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। जूलॉजी और बॉटनी दोनों कॉम्बिनेशन के रूप में पहुंच गए। ऐसे ही 11 वीडियो आपके पास फिजिक्स के भी आ चुके हैं और 11 जो है केमिस्ट्री के आ चुके हैं। आज अगला फिजिक्स का आ जाएगा आपके पास में, और ठीक इसी प्रकार आपके जेई के भी जो हैं वो डेली एक वीडियो गुरु नीति के रूप में मिल रहा है। ओके, तो डेली अगर बात करें यूट्यूब चैनल की, अगर मैं बात करूं तो 2 वीडियो तो बच्चों को डेली गुरु नीति फॉर नीट मिल रहा है, और सिंगल वीडियो जो है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, इस मैनर में आपको जेई का भी प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली इन क्वेश्चन को देखते जाए। ये जितेंद्र सर, बच्चों को अगर बताएं तो ये एक रिविजन टाइप ही हो गया बच्चों के लिए। रिविजन हो गया, मतलब काफी इनके लिए ये काफी है, बस पढ़ने वाले चीज जो काफी आ गए। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये वीडियो ज्यादा फ्रूटफुल उस समय होंगे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन चैप्टर हो गया है तो, और जो रिपीटर स्टूडेंट है उसके लिए तो ये रामबाण है भैया, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका। और इस कंसेप्चुअल लेवल पर आकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको अपनी जो कमियां हैं वो कमियां ही उजागर करनी है, क्योंकि रिपीटर जो स्टूडेंट है जिसने 1 साल 2 साल अगर तैयारी कर ली है तो उस बच्चे का तो सब कुछ ही स्टडी किया हुआ है। आप ये मानकर चलेंगे जितेंद्र सर, जैसे किसी बच्चे का ईसीजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बार बार उसका ईसीजी का ही क्वेश्चन गलत होता चला जाता है, तो आपके 350 या 400 सब टॉपिक ऐसे रहेंगे जहां पर आपको जो है बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। आपको तो केवल इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए उन वीक टॉपिक को जो है वो अराइज करवाना है और उनमें स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है। बिल्कुल, तो चालू करें आज का। तो 23 बटे 90 रहेगा गुरु नीति का। नेक्स्ट वीडियो है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये पहले अपन ने कर लिया था। आज अपन बात करेंगे किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम के। 2 पार्ट इसके मिलेंगे। आज के पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये थे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, वर्टिब्रेट का दिया है, इसका मतलब क्लोज टाइप के सर्कुलेशन की ये बात करेंगे। हाँ, क्लोज टाइप का और जो है डेवलप टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, बिल्कुल करवाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। ये भी अगर हम लोग देखें तो वर्टिब्रेट के अंदर जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं और वार्म ब्लडेड इसमें एविज आ जाएगा और मैमल्स आ जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड में फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, उनमें फिर ये फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, तो जो पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक जो एनिमल्स हैं उनमें टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा, एंडोथर्मिक एनिमल में होता है। अगर ये कह देता कि ओनली, अगर ओनली वर्ड काम में लेता तो सभी वर्टिब्रेट में तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं करवाता है, लेकिन ये कंसिडर करना है मैमल और बर्ड्स में होता है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट बनने वाले जो भी वेस्ट बनेंगे उनको ट्रांसपोर्ट करके ये किडनी लेवल तक भी लेकर जाता है, और ऐसे CO2 अगर बन रही है तो इसको सर्कुलेट करवाकर वापस एल्वियोलाई तक लेकर आ रहा है, पहले देखा भी था। प्रोवाइड इम्यून डिफेंस, इम्यूनिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स ना, बिल्कुल ल्यूकोसाइट भी बात करते हैं, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज की प्रेजेंस की भी बात की जाती है। बिल्कुल, तो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट, तो ऑल ऑफ दिस चला जाएगा। तीनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना जितेंद्र सर, क्वेश्चन नंबर 2। जी सर, क्लंपिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज, क्लंपिंग ऑफ सेल्स जो है हमारी, जैसे 3 टाइप की ब्लड में सेल्स है ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनका ये फीचर है, और ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, मतलब तो कहीं पे डैमेज हो जाए तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए ऐसा जो प्रोसेस है ये सेल रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, क्लंपिंग ऑफ सेल्स जो है उसके लिए बोला गया कि उसको क्या जाना जाए, तो उत्परिवर्तन होगा नहीं, ये जीन म्यूटेशन से रिलेटेड है। ग्लूटेथायोन एक केमिकल है जो इससे बिल्कुल भी, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, कुछ बैक्टीरिया में भी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें क्लंपिंग ऑफ सेल, तो उसके लिए हम लोग बोल देंगे यहाँ पर बिल्कुल एग्लूटिनेशन चला जाएगा, सम्मोहन हो रहा है। बिल्कुल, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन से है मेनली उनकी अब यहाँ पर बात हो जाएगी, तो क्लंपिंग ऑफ सेल क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाता है। और जैसे हाँ कह सकते हैं क्लंपिंग ऑफ सेल्स में जैसे अपन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन के अंदर एक ये टाइप है जिसमें जैसे RBC है, तो उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन है, मान लो एंटीबॉडी होगी, जैसे RBC है, इसकी सरफेस पर एंटीजन मान लो A हो गया,
तो ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है एंटी एंटी बी बी बन बिल्कुल, तो फिर काफी सारी आरबीसी और ऐसे एंटीबॉडी वाला फ्रूट जब मिक्स होगा तो वो एंटीबॉडी इनके ऊपर इस तरीके से एग्जिट हो जाता है बिल्कुल, और इन सेल्स की क्लंपिंग हो जाती है, क्लंपिंग हो जाती है तो एग्लूटिनेशन फिनोमिना करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ठीक है। और वैसे क्लंपिंग ऑफ सेल में क्लॉटिंग के रेस्पेक्ट में बात करें तो वहां पर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसे कहीं भी रप्चर हो गया, इंजरी हो गई, ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो को रोकना है तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर देखा जाएगा, इसलिए मोर एप्रोप्रिएट अपने ये चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, पर्सन हैविंग एंटीजन बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी हेड, तो अपने को पता है आरबीसी की सरफेस पर होता है एंटीजन और प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, एक तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, एक लाइन यहां पर बच्चों को याद रखनी है, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा एंटीजन और उसके अगेंस्ट का क्या हो जाएगा एंटीबॉडी हो जाएगा, तो एंटीजन कौन सा है बी है तो ब्लड ग्रुप भी कैसा हो गया ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा इसका ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना, और इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे राइट एट्रियम के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है ठीक है, तो इसमें रक्त प्रवाह से संबंधित है ना, जी जी, मैच ईच एरिया ऑफ हर्ट विद स्ट्रक्चर फ्रॉम विच इट रिसीव्ड ब्लड, अच्छा ये किससे ब्लड को रिसीव करता है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राइट एट्रियम या दायां आलिंद है तो ये जो ब्लड रिसीव करेगा तो इसके लिए हो जाएगा वेना केवल, बिल्कुल सुपीरियर और इन्फीरियर, और ये भी आपको याद रखना है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा सेपरेट ओपनिंग के द्वारा ओपन होती है, कहां पर राइट एट्रिया में, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लाएगा वो इन्फीरियर वेना केवा, और जो हेड रीजन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा वो सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रिया में ओपन होते हैं, ठीक बात है, इसका मतलब ये का ये चला जाएगा सर जी, राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को रिसीव राइट एट्रियम से ही करेगा, तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम से पहुंचेगा, इसके लिए अपना फिर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम से, तो ये थर्ड चला जाएगा ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो पल्मोनरी वेन जो है बिल्कुल प्योर ब्लड आएगा उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये इसका फोर्थ चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट एट्रियम से, तो फर्स्ट हो जाएगा, तो 2 3 4 1 तो 2 3 4 1 पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5 मैच द कॉलम, वही फर्स्ट और करेक्ट आंसर अपने को चूज करना है। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें तो 0.8 सेकंड इसका टाइम पीरियड कहलाता है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूं तो थर्ड चला जाएगा अपना जी। प्लाज्मा की अगर बात करें तो 50% ऑफ ब्लड पाया जाता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, तो ये फिफ्थ हो जाएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, और इसमें ये याद रखना कभी कभी ये सर ये भी कह देते हैं कि एक ऑप्शन ये भी आ जाता है 80/120 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिस्टोलिक हमेशा ऊपर आता है डायस्टोलिक नीचे आता है, अपर वाला ज्यादा होता है, हाँ तो सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन के द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ प्रेशर है ये, तो इसका सेकंड चला जाएगा। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो 12-16 ग्राम इन एवरी 100 ml ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान भी बात आई थी, और हार्ट बीट की अगर बात करें तो 72 per minute हो जाता है, तो 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट चला जाएगा ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट हर्ड साउंड लव कोइंसाइड्स विद व्हिच वेव ऑफ ईसीजी, तो जैसे सर ईसीजी का एक फिगर जो है वो बना रहे हैं और उसकी अभी लेबलिंग भी कर देंगे, तो ये तो अपनी पी वेव कहलाएगी, ये देख सकते हो ये अपना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और ये फिर यहाँ पर एक टी वेव, ये टी वेव हो जाती है ठीक है। तो इसमें सुनील जी जो जी टी वाली जो वेव है, हाँ हाँ, ये एक्चुअल में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया उसको रिप्रेजेंट करती ठीक है, और इसका मतलब है एट्रियम एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, दोनों दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पी वेव डिनोट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, और क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा है ये वेंट्रिकल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन ठीक है। और इसमें भी अलग अलग देखें तो क्यू जो पॉइंट है वो दोनों वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम के डीपोलराइजेशन के लिए, बिल्कुल, और उसके बाद में जो आर वेव है सुनील जी ये दोनों जो वेंट्रिकल है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है ये वाला नीचे वाला बिल्कुल इसके डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता ठीक है, आर वाला ठीक है, और एस वाला जो है वो इन वेंट्रिकल का जो ऊपर वाला अपर एंड है इनके डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले डीपोलराइज ये हो रहा है बिल्कुल, फिर ये वाला पार्ट हो रहा है बिल्कुल, और उसके बाद में अपर पार्ट हो रहा है ठीक है,
तो अगर देखें तो क्यू इसके लिए और जो आर है वो इसके लिए और जो एस है वो इन पोर्शन के लिए, तो मैक्सिमम जो एरिया वो ये वाला है, तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो उसकी पीक मैक्सिमम जाएगी आर के फॉर्म में, और इसी दौरान जो है आपका एवी वॉल जो है वो क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से लब साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, क्लोजिंग ऑफ वॉल के कारण ही हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ओपनिंग के कारण कोई भी हर्ट साउंड नहीं होती है। पहली बार वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो वॉल पाए जाएंगे कस्पिड वॉल, इधर की ओर बाइकस्पिड होता है और इधर की ओर ट्राइकस्पिड वॉल कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में कौन सा ट्राई हो जाएगा और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड हो जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो कस्प डाउनवर्डली प्रोजेक्टेड थे ये कस्प ऊपर की ओर आएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, इसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो इंटेंस लेवल की कहलाती है, लब साउंड के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबे ड्यूरेशन के, और इस प्रकार सुनाई देती है समवॉट, लब डब लब डब, इसका मतलब इंटेंसिटी डब की ज्यादा हो जाती है, लब की है ना, पिच हाई है बिल्कुल। तो इसको यतिन सर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको दो हर्ट साउंड दे दी जाती है, एक तो ये कहलाती है और एक हर्ट साउंड ये कहला जाती है, इसकी ड्यूरेशन सुनेंगे ज्यादा होगी और पिच कम होगी बिल्कुल, तो इंटेंसिटी इधर आ जाएगी और ये अपनी क्या कहला गया, टाइम पीरियड या ड्यूरेशन कहला गया, तो टाइम पीरियड ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी कम है, तो ये तीन सर क्या बोल दो इसको, लब लब, और ये वाली क्या कहते हैं, डब, इसको डब कहेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार की हर्ट साउंड है। डब कब प्रोड्यूस होगी, जब वेंट्रिकल में से ब्लड फ्लो कर कहां चला जाएगा, एओर्टा में चला जाता है, सिस्टेमिक जो आर्टरी है इनमें पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, या पल्मोनरी आर्टरी का मतलब तो राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा और सिस्टेमिक एओर्टा की बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा। अब वो ब्लड जाने के बाद ये जब रिलैक्स करेंगे तो अंदर का प्रेशर घटेगा, अंदर का प्रेशर घटेगा तो जैसे ये सिस्टेमिक आर्टरी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जो वॉल खुला था सेमीलोनर वॉल, ये अब अंदर का प्रेशर घट जाने के कारण ये बंद होगा और इस वॉल के इसकी वॉल से टकराने के कारण आवाज जो प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, वो डब साउंड कहलाएगी। क्लियर, तो ये थिंग सर आंसर कौन सा चला जाएगा इसका, आंसर अपना हो जाएगा आर वे, आर वे। ठीक है, तो पीक पर यही प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डा टेंडिनी ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ ह्यूमन हर्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। जैसे यतिन सर ने अभी डायग्राम भी आपके सामने बनाया था, ठीक है मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस डायग्राम को, ये अपन ने जो है ये दोनों वेंट्रिकल्स आपके सामने बना दिए, ठीक है जी जी। और ये यहाँ पर यतिन सर कौन सा कहला गया, ट्राइकस्पिड, और इसने कौन सी बात की है, ट्राइकस्पिड की वॉल, जी जी ट्राइकस्पिड, और इन ट्राइकस्पिड वॉल से क्या अटैच रहेंगी, उससे जुड़ी हुई कॉर्डा टेंडिनी होगी और ये ट्राइकस्पिड वॉल कहला गया। अब ये कह रहे हैं कि इंजरी हो जाए किसमें, कॉर्डा टेंडनी में, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, तो इस वाले वेंट्रिकल की बात कर रहा है तो यहां से जो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स रीजन को जी, किससे होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या बोल देंगे, फ्लो ऑफ ब्लड इन टू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। और यतिंद्र सर एक ऑप्शन ये दिया हुआ होता कि ये पार्शियली क्लोज हो पाती है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती है, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंच जाएगा, राइट एट्रिया, ये फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो अपना आंसर चला जाएगा फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। और मान लो अगर ये नहीं दिया होता और उसकी जगह ये दिया होता कि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ओरिकल, तब वो चला जाता, तब वो चला जाता बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा जी, ड्यूरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड लीव, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसमें जैसे सुनील जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो कहां से स्टार्ट होके कहां पर एंड हो रहा है, तो ये तो अपना राइट वेंट्रिकल हो गया जी, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाया गया, क्यों कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों को अच्छा सा दिखाई दे जाए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल के इस कॉर्नर से क्या अराइज होती है, एओर्टा अराइज होता है यहाँ से, ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लीव कर गया जी और गोज डायरेक्टली टू दी एओर्टा, तो करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा बिल्कुल, क्यों जी चले आगे, क्वेश्चन नंबर मतलब लेफ्ट
वेंट्रिकल से सुनील जी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया और एंड हो गया आपका राइट ओरिकल राइट एट्रिया में बिल्कुल। और इसी तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बता देते हैं, उसकी स्टार्टिंग हो गई आपकी राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, और वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, बिल्कुल सही कहा आपने, एंड हो गया आपका लेफ्ट ओरिकल में। तो इसको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो ये अपना हो जाएगा राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्यों ये तीन सर जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है अपना क्या कहला गया, लंग्स कहला गया, और यहाँ पर क्या कहला गया, बॉडी सिस्टम कहला गया, टिश्यू डिप या सिस्टम लिख रहे हैं जी, सिस्टम से सिस्टम वर्ड, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा यतेंद्र सर, और कहां पर पहुंचेगा, बॉडी सिस्टम को, और सिस्टम से ब्लड निकलेगा राइट एट्रिया में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा लंग्स के पास में, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में, तो नॉन एज डबल ब्लड। तो ये तो हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन का स्टार्ट और ये एंड है ना, एंड और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का स्टार्ट और ये फिर एंड, ये है, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, एक्स इज ए फाइब्रस टिश्यू ऑफ मेम्ब्रेनस सेप्टम ऑफ द हर्ट जस्ट अबव द सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल, इट सेपरेट द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, बिल्कुल। तो ये एक डायग्राम ये सर ने आपके सामने एट्रिया का और ये वाला वेंट्रिकल का, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल जी सर। तो ये एनुलर फाइब्रस रिंग जो है ना सुनील, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो दोनों ओरिकल और जो वेंट्रिकल है उनको इंसुलेट कर रहा है, यानी यहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस तरफ नहीं आएगी और यहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऊपर नहीं जाएगी, इसीलिए जब ओरिकल डिपोलराइज होता है वेंट्रिकल नहीं होता, जब वेंट्रिकल होता है तब ओरिकल नहीं होता है, बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी चले जाएगा कि एक्स जो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या कहलाता है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम कहलाता है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है, क्यों, ये इलेक्ट्रिकल ली अगर देखें तो ये उसका कंडक्शन नहीं करता है, बिल्कुल। तो एट्रिया के इलेक्ट्रिक जो पोर्शन या चार्जेज हैं उनको वेंट्रिकल की नहीं और आने नहीं देगा, और वेंट्रिकल का है उसका एट्रिया की और नहीं जाने देगा, इसलिए चारों को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हाँ चारों जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, आगे कार्डियक साइकिल में इनको बताएंगे। एकमात्र सुनील जी इलेक्ट्रिकल विंडो कह सकते हैं एवी नोड, एवी नोड उससे जरूर वो करंट जो मूव करके नीचे आ सकता है, बंडल ऑफिस से होता हुआ, उसमें 0.1 सेकंड का डिले होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अच्छी नॉलेज थी ये वाली भी, और इसका भी आगे चलकर आपको पार्ट बताएंगे कि कहां होता है। तो ये क्या है, राइट एट्रिया, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, और इनके बीच में ये कौन सा सेप्टा कहला गया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है इसके ठीक ऊपर क्या पाया जाता है, इस वाले कॉर्नर पर, मतलब राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक ऊपर एवी नोड प्रेजेंट होती है, और ऐसे ऐसे नोड भी पूछ ली जाती है। तो राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पर क्या पाई जाती है, ऐसे नोड प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मस्कुलर, इनका जो मस्कुलर पार्ट है उसी का ये मॉडिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हर्ट, हमारे हर्ट के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, जो कि मायोजेनिक है, फोर चैम्बर्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन दो बार होता है, ठीक है, तो और ओरिकल का जो साइज है वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल, गलत हो गया, जैसा कि आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ओरिकल का जो साइज है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसी एनाटॉमी को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं बच्चों को, तो यतेंद्र सर ये तो अपने हो गए एट्रिया जी, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप देखें दोनों वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली एट्रिया छोटे होते हैं, ठीक है, और वेंट्रिकल का साइज बड़ा कहलाता है। अगर मैं इन दोनों में भी कंपेयर कर लूं तो एट्रिया, दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल जो सेप्टम पाया जाता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर, जिसके कारण दोनों एट्रिया में से छोटा कौन सा हो जाता है, लेफ्ट एट्रिया छोटा हो जाता है। तो और ऐसे ही बात करूं वेंट्रिकल में, तो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर, इसे एपेक्स ऑफ द हर्ट कहा जाता है, एपेक्स ऑफ द हर्ट तक नहीं पहुंचेगा ये, ठीक है, उससे पहले ही ये जो है खत्म हो जाएगा। तो राइट साइड में शिफ्टिंग होने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा लेफ्ट एट्रिया हो गया। अगर इनका ऑर्डर बताऊं तो लेफ्ट एट्रिया सबसे छोटा, क्यों, इसके बाद में राइट एट्रिया हो जाएगा यतेंद्र सर, इसके बाद अगर बात करूं तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो ये इनका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट वन देखना। ठीक है, नोडल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर इन ह्यूमन हार्ट व्हिच हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगर हो जाता तो न्यूरोजेनिक हार्ट बन जाता है। मतलब ये इनमें सेल्फ जो है वो डीपोलराइज होने की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एसएन नोड से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है। फिर एवी नोड में भी, एवी नोड में उससे थोड़ा कम, उसे फिर बंडल ऑफ हिज में भी है, उसके लेफ्ट राइट ब्रांच में भी और पर्किंजे फाइबर में भी। ठीक है, यानी ये सब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो करता है एसएन नोड हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज करता है। और जनरेट जो करवाता है वो जनरेट भी कौन करवा रहा है, एक्शन पोटेंशियल को एसएन नोड करवा रहा है। इसलिए पेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हो गया, एसए नोड हो गया। पेस को बनाने वाला कौन हो गया, एसए नोड। इसलिए इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं इसको, क्योंकि कितनी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आगे पहुंचाना है ये फिर कौन डिसाइड करेगा, ये यानी सुनील जी पर मिनट जो डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है हाई नंबर में, वो एसए नोड हो गया, एसए नोड हो गया, फिर वो डिक्रीज करता जाता है। लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल का मूवमेंट कंडक्शन, उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा आपके परकिंजे फाइबर में होती है, सबसे ज्यादा परकिंजे में होगी। बिल्कुल ठीक है, आपने इनिशियली वो स्पीड कम होती है। ठीक बात है, तो कौन सा चला जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये तो रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग हो गया। पोजीशन ऑफ एसएन नोड राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अभी बताया था आपको राइट अपर कॉर्नर पे होता है, तो ये बात तो सही होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ एवी नोड राइट कॉर्नर, राइट नहीं लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एट्रिया होना चाहिए था। और कौन सा एट्रिया होना चाहिए था, अभी अभी डायग्राम आपको बताया था, फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर दूं। ये जो है ये क्या कहलाया, राइट एट्रिया। इस राइट एट्रिया के इस पोर्शन पर तो ऐसे नोड हो गया, और यहाँ पर क्या कहला गया, ये एवी नोड कहला गया, तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवी नोड, ये जो एवी नोड है यहाँ से फिर नीचे की ओर क्या निकलेंगे, एवी बंडल निकलेंगे। ठीक है, बंडल ऑफ हिज, इसको बंडल ऑफ हिज भी कहा जाता है, तो ये बात सही होगी। परकिंजे फाइबर आर मॉडिफाइड कार्डियक मस्कुलर फाइबर विच स्प्रेड्स इनटू द टू वेंट्रिकल। बिल्कुल, ये बंडल ऑफ हिज जो है ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट ब्रांच कहलाती है और एक जो है वो लेफ्ट ब्रांच कहलाती है, अपेक्स ऑफ द हर्ट की ओर जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये वेंट्रिकल के मस्कुलेचर को फिर डिवाइड हो जाती है, परकिंजे फाइबर्स ये कहलाते हैं। इसीलिए जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमने कहा था उसमें क्यू पार्ट किसको डिनोट कर रहा था, लोअर पोर्शन को। ठीक है, और और यहाँ वेंट्रिकल का जो अपर कॉर्नर है इनको क्यों करेगा, एस पार्ट कर देगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो करेक्ट कौन से हैं, सेकंड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 12, जी सर। चूज द स्केमेटिक डायग्राम विच प्रॉपरली रिप्रेजेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी अपन ने पीछे बताया था पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, बिल्कुल, जो स्टार्ट हो गया हमारे राइट वेंट्रिकल से। बिल्कुल, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा इस रीजन से, और लंग्स रीजन को ये पल्मोनरी आर्टरी पहुंचती है। तो राइट वेंट्रिकल दिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से किसके पास में आ गया, हालांकि पहले लेफ्ट ओरिकल में आता है और फिर वेंट्रिकल में आता है, फिर भी चलो ठीक है, मान लें ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग और ज्यादा परफेक्ट हो जाता अगर लेफ्ट ओरिकल दिया, लेफ्ट ओरिकल दिया हुआ होता तो ज्यादा करेक्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की ये बात कर रहे हैं, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चालू हो जाएगा और बॉडी सिस्टम तक ये पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, यहाँ पर याद रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल आना चाहिए, सॉरी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है, वेंट्रिकल नहीं दिया तो ओरिकल लेंगे फिर, तो राइट वाला पार्ट तो फिर नहीं आएगा, बात नहीं, तो वो ओरिकल ले लेते, तो लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, दोनों में आ रहे हैं। उसके बाद में पल्मोनरी एओर्टा नहीं, ये एओर्टा में सिस्टेमिक एओर्टा कहा जाता है, फिर आर्टरीज में जाएगा, फिर टिश्यूज में जाएगा, टिश्यू में पहुंचकर ये वेंस के पहले कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा, नहीं दिया कोई बात नहीं, कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स यूनाइट होकर वेंस बना देती है, और ये जो वेन है ये वेना केवा के रूप में फिर कहां आ जाती है, राइट एट्रियम में, पहले भी डायग्राम के रूप में आपको समझा दिया, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। 14, जी सर। तो यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। ठीक है, तो एंटीजन ए पर ए है,
हाँ, ए पर बी है और ए बी पर ए एंटीजन भी और बी भी है। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह ए एंड बी दोनों आ जाएंगे। अब इस आदमी के ब्लड प्लाज्मा में एंटी बी होगा, अगर इसके पास बी एंटीजन है तो एंटी ए हो जाएगा, इसमें दोनों एंटीजन है तो कोई नहीं नील होगा। और इसमें नील एंटीजन है तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी, इसका मतलब एंटी ए बी हो जाएगा और बी बी हो जाएगा, ये एंटी आ जाएंगे दोनों, ठीक है। एंटी ए एक्स और वाई के लिए पूछा बिल्कुल, और लास्ट में जेड के लिए भी पूछा है, जेड के लिए डोनर ब्लड ग्रुप। तो मतलब इसको किसका ब्लड, ए बी वाला जो है वो किसको दे सकता है, हाँ हाँ ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, तो ए ब्लड ग्रुप है, इस ए ब्लड ग्रुप वाले को किसका दिया जा सकता है, तो ए का दिया जा सकता है, ओ का दिया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर तो ये हो गए ना, ठीक है। बी वाला है तो इसको बी का दिया जा सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी के लिए अगर बात करें तो ए बी से ले सकता है, मतलब ये तो फिर एक्सेप्टर ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है, इसका मतलब चारों ही आ जाएगा। इसका मतलब पहले तो एक्स देखो, ए एंड बी कहाँ पे है, एक्स ये गलत हो गया, ए बी ये तीनों ही ठीक हो गए। वाई में देखने यदि सब क्या है, एंटी ए एंड बी, तो एंटी ए बी, एंटी ए बी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। अब इन दोनों में से देखो जेड की जगह क्या आ रहा है, ए बी और ए बी, हो केवल ए बी और ए बी दे रखा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ए बी और ए बी, मतलब यहाँ पे बीच में कोमा आ जाएगा तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल फ्रेगमेंट। सेल फ्रेगमेंट की अगर बात करें तो खुद सेल नहीं है, सेल के छोटे टुकड़े ये कहलाते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ पर, तो कौन सा चला जाएगा, सीधा सा आंसर है ब्लड, सेल फ्रेगमेंट, बिल्कुल सेल फ्रेगमेंट है। ये क्लासिफिकेशन के दौरान भी इसके बारे में अपने जिक्र किया था। 16 मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बेसोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है, और इसके अलावा यहाँ पर एक इयोसिनोफिल भी दे रखा है, बिल्कुल। तो बेसोफिल के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, हिस्टामिन वगैरह रिलीज करती है, सेरोटोनिन भी और न्यूट्रोफिल की बात करें तो वो फैगोसाइट हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा, और मोनोसाइट की बात करें वो भी फैगोसाइट हो जाएगा, तो ये भी जो फैगोसाइट हो जाएगी मैक्रोफेज में चेंज होने के बाद में, क्योंकि इनको मैक्रोप्लिसमेन और माइक्रोप्लिसमेन इनके नाम से, बिल्कुल। तो मोनो जो है वो तो माइक्रो है और न्यूट्रोफिल जो है वो मैक्रोप्लिसमेन कहलाता है, और फिर इयोसिनोफिल को एलर्जी हो जाएगा, और लिम्फोसाइट जो है फिर वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो 2 1 1 3 5 और 2 1 1 3 5 कौन सा ऑप्शन, 5 है नहीं 4, ठीक है, क्योंकि इधर 4 ही दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। 17 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट के बारे में पता करना है। बारबॉडी इज अनदर नेम फॉर न्यूट्रोफिल्स, नो, बारबॉडी तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान है, अगर 2 से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उसका डीजनरेशन हो जाता है। लियोन्स हाइपोथेसिस भी इसी से रिलेटेड है, और ये जो है ये बात आपको जेनेटिक्स के दौरान फिर से बताएंगे हम। ए ग्रेन्युलोसाइट आर फॉर्मड इन रेड बोन मैरो, नहीं, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो रेड बोन मैरो, वो बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन एग्रेन्युलोसाइट की अगर बात करें तो ये जो लिम्फ टिश्यूज होते हैं वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, तो ये बात भी गलत हो गई और ये बात भी गलत हो गई। ग्रेन्युलोसाइट आर स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, बिल्कुल ठीक बात है। लिम्फोसाइट एग्जिस्ट एज 2 मेजर टाइप, बी और टी लिम्फोसाइट, तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपने को इनकरेक्ट ही देखना है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कहां पर दिया है, पहला ऑप्शन ही आंसर चला जाएगा, ठीक है। 17 18 जी सर, इन लिविंग बॉडी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड बाय, मतलब एंटी कोएगुलेंट देखना है, और हमारे अंदर नेचुरल जो है हिपेरिन हो जाएगा, तो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट के रूप में हिपेरिन प्रेजेंट हो जाएगा। 19 What will happen if Rh negative person donate blood to Rh positive person? Rh negative, इसका मतलब Rh antigen की बात हो रही है, क्यों यतिंदर सर? जी। Rh antigen, तो जिसके पास Rh antigen present होगा, present, और जिसके पास absent होगा, तो ये blood group तो कैसा है? Positive blood group, और ये कैसा है? Negative. ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब कभी भी ब्लड जब दिया जाता है तो देने वाला जो होता है उसका क्या देखा जाता है? एंटीजन देखा जाता है, और लेने वाले का एंटीबॉडी। इन दोनों में अगर सिमिलरिटी आ गई, जैसे देने वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास में ए एंटीजन है, और लेने वाले ब्लड ग्रुप के पास में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो कैसी होगी? ए टाइप ही हो जाएगी। तो इनमें सिमिलरिटी होने के कारण क्या हो जाता है? वही क्लंपिंग वाली बात आ जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो आरएच नेगेटिव वाला दे रहा है, इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, अब वो देख लो ना आप, ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं था, सबको दे सकता है,
ये भी नेगेटिव है, कोई एंटीजन नहीं है, तो सबको दे सकता है। अब बाकी की बात इसने की नहीं है तो आरएच के रेस्पेक्ट में देखना है। अब ये इसको दे रहा है तो इसके पास जो है वो एंटीजन पाया जा रहा है, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो होनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास पहले से वो एंटीजन है ना। बिल्कुल, पहले से ये कह सकते हैं सुनील जी कि जिसके पास में जो प्लस है वो प्लस से भी ले सकता है और माइनस से भी ले सकता, वो माइनस से भी ले सकता है, इसके पास वो एंटीजन पहले से है। बिल्कुल, उसका इम्यून सिस्टम उसको जानता है तो रिएक्शन नहीं होगी। बिल्कुल, तो माइनस है, अगर उसने प्लस का ले लिया तो फिर इम्यून रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल, माइनस वाला केवल माइनस से ले सकता है, माइनस वाला केवल माइनस से। इसलिए यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, वो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल नेगेटिव है, और एक्सेप्टर यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव। बिल्कुल, वो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। तो नथिंग विल हैपन टू बोथ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 20 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है ये बात की जा रही है, तो एनेलिट्स में क्लोज है, कोऑर्डिनेट में भी क्लोज है, ठीक है, ऑर्थोपोड में ओपन हो गया, ऑर्थोपोड में ओपन हो गया, मोलस्का में ओपन हो गया, इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाता है। 21 एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सचेंज अकर मोर रैपिडली, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो एक्सचेंज की एबिलिटी भी मोर प्रिसाइसली वाले एरिया से। बिल्कुल, फ्लो ऑफ ब्लड मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, घटाना बढ़ाना ब्लड प्रेशर को ये क्लोज में जो है वो आसानी से होता है। इट कैन सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बिल्कुल, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा आर्टरीज में, ज्यादा ब्लड जो है वो डिलीवर किया जाएगा उस रीजन में, तो ये सपोर्ट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 22 जी सर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो पूछा गया है, तो ब्लड फ्लो इन द ओपन टिश्यू स्पेस द सिनुसेस, बिल्कुल सही, ओपन जो एरिया वहां पर ब्लड जो रिलीज हो जाता है, ब्लड इज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट होना चाहिए क्योंकि ब्लड जो ब्लड वेसल से बाहर आ गया, ठीक है, इसलिए वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। ब्लड फ्लो जो स्लो है क्लोज में फास्ट होता है, और प्रेशर जो है वो कम होता है, कम होता है, तो गलत कौन सी हो गया आपने, क्या पूछा है, करैक्टरिस्टिक्स पूछा है, इसका मतलब पहली भी करैक्टरिस्टिक है और तीसरी भी करैक्टरिस्टिक है, फर्स्ट और थर्ड, तो एक्सेप्ट, लेकिन ये कहा है कि एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो 2 और 4 को छोड़कर, 2 और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, एस नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ द हार्ट, अभी अपन ने बात की थी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, इंपल्स जो है उनको जनरेट करवाने का ये काम करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जनरेटेड बाय द एवी नोड, ना एवी नोड से जनरेट नहीं हो रही है, इट डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, डिले का काम इसका नहीं है, डिले का काम कहां पे हो जाएगा, वो बंडल ऑफ हिट जो आपने बताया था वहां पर, 0.1 सेकंड का। इट गेट स्टिमुलेटेड व्हेन इट रिसीव न्यूरल सिग्नल, न्यूरोजेनिक हर्ट से रिलेटेड हो गए, तो फिर इट इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट, तो बाहर से नहीं, ये तो कैसा है, सेल्फ रेगुलेटरी कहलाता है, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 चले आगे। 24 जी, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हर्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट कि 1 मिनट में कितने डबल सर्कुलेशन जो कंप्लीट हो रहे, तो 1 मिनट में जो है एवरेज अगर देखें तो 72 अपना हो जाएगा, क्योंकि जितनी हर्ट बीट होती हैं उतने ही डबल सर्कुलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट अकर इन, कहां होता है, तो 1 बीट का मतलब 1 बीट में जो है वो लब भी आ जाता है, डब भी आ जाता है, दोनों हर्ट साउंड आ जाती है, लब और डब जो है ये तो हर्ट साउंड है, और 1 बीट में ये दोनों ही कंप्लीट होती हैं, तो एक कार्डियक इवेंट जो है वो 1 बीट के दौरान कंप्लीट हो जाता है, तो सिंगल कार्डियक साइकिल सिंगल बीट के दौरान हो जाएगा। 26 जी, हर्ट इज मायोजेनिक इन, तो अपने को इसमें कोऑर्डिनेट देखना है, और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो एलिफेंट हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड में न्यूरोजेनिक हर्ट पाया जाता है। 27 इजी क्वेश्चन है वैसे आज, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, पूरा 1 मिनट वाला ना, हाँ, तो इसमें 1 मिनट आ जाएगा, इसका मतलब है 1 बीट जब हुई थी यतेंद्र सर, उसे तो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम और वेंट्रिकल के द्वारा सिंगल स्ट्रोक वॉल्यूम के दौरान जो ब्लड पंप आउट किया जाएगा वो कितना कहलाता है, 70 ml कहलाता है, 1 बीट में 70 ml है, 1 मिनट में कितनी बीट है, तो अपन क्या कर देंगे, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, हर्ट बीट हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है, और 72 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5040 ml पर मिनट, क्यों, या 5 लीटर भी कह सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर भी कहा जा सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा भी इक्वल होगा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा भी इक्वल होगा, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 28 जी, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, चलो ठीक है, पी वेव जो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रियम, बिल्कुल,
तो ये अपन ने पहले भी डायग्राम के रूप में बच्चों को बता दिया था, ये QRS बन गया जितेंद्र सर, और ये अपनी टी वेव बन जाती है। तो ये एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बोल दो या एट्रिया का डीपोलराइजेशन कह दो, बिल्कुल QRS जो है वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कहलाएगा या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है इसके दौरान, टी जो है वो रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल, बिल्कुल। तो इसका तो बन गया फर्स्ट, इसका बन गया अपना थर्ड, और इसका बन गया सेकंड। और ऐसा ऑप्शन फर्स्ट थर्ड सेकंड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड ऑप्शन नंबर टू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है सर, ECG जो है इस ECG के द्वारा कौन सा इवेंट डिनोट नहीं होता है, तो एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन तो डिनोट हो रहा है इसके द्वारा, लेकिन एट्रियल रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर नहीं एट्रियल रीपोलराइजेशन है। हाँ बिल्कुल, तो एट्रिया का रीपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर डिनोट नहीं होता है, वो इस क्यू वेव की वजह से दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। ठीक बात, तो ये अपना 28 हो गया। 29, विच वेव ऑफ ह्यूमन हार्ट आउट ऑफ PQRST इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल, और हार्ट बीट की अगर बात करें इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन कौन सा हो जाएगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम वाला वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि वहां पर मस्कुलेचर ज्यादा होता है। और ये सवाल भी बनता है कि ज्यादा इंटेंस टाइप का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो वेंट्रिकल के द्वारा ही क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको बॉडी के सिस्टम तक ब्लड को पंप करना होता है, AD से चोटी तक ब्लड को पंप करना होता है, तो ज्यादा दूरी तक भेजेगा तो ज्यादा स्ट्रोक के साथ में उसको भेजा जाएगा, तो वो किसके द्वारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। 30, कोर्डाई टेंडिनाई के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों में है, मैंने डायग्राम से समझाया भी था, बिल्कुल। और ये लेफ्ट और राइट साइड जो है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को वेंट्रिकल की वॉल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, एपिलरी मसल की हेल्प से, ठीक है। और जब भी वेंट्रिकल में ब्लड वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो ब्लड को वापस ओरिकल में जाने से रोकता है, क्योंकि जो वॉल है वो वापस पीछे की तरफ जो मूव ना करे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कि आर प्रेजेंट क्लोज टू AV वॉल इन ओरिकल, ओरिकल में नहीं वेंट्रिकल में होता है ना, और प्रिवेंट द AV वॉल फ्लैप फ्रॉम इवोल्टिंग, उल्टा होने से रोकता है उनको। जी जी बिल्कुल, ये अपने डायग्राम की हेल्प से वैसे बच्चों को पहले भी बताया था, एक बार आप फिर से देख लें इसको, जैसे ये अपने वेंट्रिकल्स की बात कर ली, ठीक है, और यहाँ पर अगर कस्प की बात करें तो ये ट्राइकस्पिड वॉल बताया था इधर, क्यों ये टेंशन, और इधर की ओर ये बाइकस्पिड वॉल हो जाता है, मिट्रल वॉल भी कहते हैं, हाँ, इसको बाइकस्पिड वॉल दो या मिट्रल वॉल कह दो, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड, राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ये जो फ्लैप है इन फ्लैप से जुड़ी हुई कोर्डा टेंडिनी जो है वो इनका मूवमेंट, पहले जब वेंट्रिकल में ब्लड गिर रहा था तो उस दौरान तो ये नीचे की ओर थे, लेकिन जब ये पूरा भर जाएगा ब्लड के द्वारा तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएट होगा, ठीक है, उस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इनके ऊपर प्रेशर लगेगा कस्प के ऊपर, ये कस्प ऊपर की ओर उठेंगे, दोनों कस्प ऊपर की ओर उठेंगे तो केवल इतना ही मूव कर सकते हैं, ये एट्रिया की ओर नहीं जाएंगे, अगर एट्रिया की ओर चले जाएंगे तो उसको इवर्टिंग कह देंगे वॉल की, और यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, इवर्टिंग नहीं हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 31, लीकेज और बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम इज प्रिवेंटेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, अब इसका मतलब ये कौन सा हो सकता है, लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एट्रिया से वेंट्रिकल नहीं, ये तो बैकफ्लो बोल रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल से एट्रिया में होना चाहिए था, ये गलत हो गया, राइट वेंट्रिकल इनटू राइट, हाँ हाँ एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा दें एक बार, राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, बिल्कुल ठीक बात है, एओर्टा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा से तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल की बात करते हैं, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल एओर्टा और इनके बीच में नहीं होगा, पल्मोनरी वेन इनटू राइट एट्रियम, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पर तो कोई वॉल पाया ही नहीं जाता है, याद रखना इस बात को, तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर, पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है, तो बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कार्डियक एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, हेंस इट इज न्यूरोजेनिक नहीं, मायोजेनिक होना, मायोजेनिक होता, ठीक है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू CNS, CNS के थ्रू, CNS मॉडरेट चेंजेज ला सकता है, फिर भी चलो देख लेते हैं, पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन कैन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कह रहा है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू दी CNS, वो मेडुला के अंदर जो दो सेंटर है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, वहां से सीधा सिग्नल नीचे आएगा, वो ANS पार्ट होना चाहिए, जी ANS होना चाहिए, ANS होना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑटोनोमिक मतलब सिंपैथेटिक भी और पैरासिंपैथेटिक भी, इसलिए रॉन्ग हो, बिल्कुल।
एक वेगस सप्लाई भी होती है, वो वेगस नर्व जो है वो पैरासिंपेथिक के साथ ही आती है, वो पैरा के साथ आती है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप कहोगे वेगस जो है वो ट्रिपल ओ डबल टी एफ ए जी वी ए एच, ठीक है। तो दसवीं क्रेनियल नर्व जो है वो पैरासिंपेथेटिक के साथ ही इनर्वेट, मतलब कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से पैरासिंपेथेटिक न्यूरॉन और वेगस नर्व जो है वो मूव करके जब एसए नोड पे आती है तो वो एसिटल कोलाइन एनटीएम रिलीज करती है, ठीक बात है, और उससे एक्टिविटी एसए नोड की कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें मेडुला के अंदर कार्डियक एक्साइटेटरी सेंटर, तो वहां से पैरासिंपेथेटिक न्यूरॉन आते हैं, ठीक है, और वो एसए नोड के ऊपर एपिनेफ्रिन नोरएपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनल वगैरह रिलीज, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स, ठीक है, वो रिलीज कराते हैं एनटीएम के रूप में, जिससे एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा उनके इफेक्ट से एड्रेनल मेडुला पे भी इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल गिरेगा, वो भी एड्रेनालिन जो उसको रिलीज करेगा, बिल्कुल, उससे भी एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ती है, वो भी बढ़ जाती है। तो अभी मैंने एक बात कही थी ट्रिपल ओ डबल टी एफ ए जी वी ए एच, इसको देखकर घबराना नहीं है, ये नर्व सिस्टम में आपको बता दिया जाएगा उल्टा फेंकवा, ये सीक्वेंस कहलाता है क्रेनियल नर्व्स का। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, द डायग्राम गिवन हियर स्टैंडर्ड ईसीजी का बात कर रखी है, एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड ईसीजी की बात की है, डिटेल्ड ईसीजी की बात नहीं की है। और स्टैंडर्ड ईसीजी की अगर बात करें तो इसमें जो है वो दो लीड तो कहाँ पर रिस्ट पर लगाई जाती हैं और एक जो है वो लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है, तो तीन ही लीड होती हैं, जबकि डिटेल्ड ईसीजी में जो है इलेक्ट्रोड चेस्ट वॉल पर लगाई जाती है, काफी लीड लगती है। हाँ बिल्कुल। पी वेव रिप्रेजेंट पी किसको, दोनों ही एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन को या उसके डीपोलराइजेशन को दर्शा रहा है, ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन होती बोथ एट्रिया, ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोलर, ये बाकी ऑप्शन कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बेसोफिल ऑफ ब्लड वेसल कंटेन, बेसोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल, और इसके अंदर जो है रिलैक्सिन नहीं होगा, हिपेरिन होगा, होगा और हिस्टामाइन भी होगा, बिल्कुल, कैल्सिटोनिन हार्मोन इसमें नहीं होगा और यहां पर मेलानिन, इसलिए गड़बड़ होगा, बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, और ये आपको पता ही है हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट कहलाता है और ये एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के दौरान वैसोडायलेटर है, ये वैसोडायलेटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट एंटर्स इनटू द एओर्टा विद ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अभी हमने बात की थी उसे क्या कहा जाता है, ईच के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम और एक मिनट के दौरान उसको कार्डियक आउटपुट कह देंगे, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 36, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ के रेस्पेक्ट में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो नहीं है, ब्लड से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू लंग्स ये भी नहीं है, बिल्कुल, फिर रिटर्न आरबीसी टू लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम में आरबीसी नहीं जाती, नहीं जा, डब्ल्यूबीसी जा सकती है, और डब्ल्यूबीसी की ये एबिलिटी जिसके कारण वो कैपिलरी से मूव होकर टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है, इसको डायापिडेसिस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट शब्द है याद रखना है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरी से टिश्यू के बाहर आया, ठीक है, उसको वापस जो है ब्लड स्ट्रीम में लाने का ये टास्क जो है वो करती है, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, मिडलमैन कह सकते हैं, हाँ इसको मिडलमैन, किसके, टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिपोजिशन ऑफ लिपिड ऑन वॉल लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी इज रेफर्ड टू, इसका मतलब आर्टरी की जो ल्यूमन है वहां पर एथेरोमेटस प्लाक बन जाता है, इसको एथेरोमेटस प्लाक कहा जाता है, और ये जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक वर्ड है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसमें हार्डनिंग हो जाती है आर्टरी की वॉल की, और यहाँ पर ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना चार चला जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स का, ऑस्टियोपोरोसिस डीमिनरलाइजेशन कहलाता है बोन का, स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये एरिदमिक कंडीशन है, कहने का मतलब रिदम के अकॉर्डिंग हर्ट जो है वो बीट नहीं कर पाता, कंडक्टिंग पाथ है ना उसमें डिफेक्ट होगा इसका, बिल्कुल कंडक्टिंग पाथ में डिफेक्ट हो जाएगा, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो हर्ट से नहीं निकल पाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। सर ने डायग्राम भी बना दिया है एथेरोमेटस प्लाक किस प्रकार बन जाता है ल्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 38, जी सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर के रेस्पेक्ट में बात की जाए, तो लब जो है वो सार क्लोजर एवी वॉल एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, बिल्कुल ठीक कहा, और यहाँ पर अपने को मैचिंग पेयर पूछ रहे, फिर भी देख लेते हैं लब के रेस्पेक्ट में, सडन ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग के लिए होता है, बिल्कुल ये बात अभी कर ही ली थी अपन ने, पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी जो है इसके रेस्पेक्ट में, तो वॉल इन ब्लड वेसल्स, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो चीज है वो नहीं होती, क्योंकि आर्टरी में अगर बात करें तो वॉल में देखी जाती है, और इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट जो है एसए नोड हो जाएगा, एसए नोड पर कि जो फाइबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39,
ए सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय कैपिलरी एंड एंड्स विद कैपिलरी। तो ऐसा जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। और पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम आपने पढ़े भी होंगे या आगे चलकर पढ़ोगे। कौन कौन सा? रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है, हिपेटिक लीवर से संबंधित कहलाता है, और कौन सा कहलाएगा? ब्रेन से हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में हो जाता है। तो कैपिलरी से चालू होता है और अनदर कैपिलरी में ये एंड होता है, इसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ह्यूमन में अगर बात करें तो रीनल पोर्टल सिस्टम की अब्सेंस देखी जाती है। अब्सेंस देखी जाती है, एक तो अपना हिपेटिक हो गया और एक हाइपोफाइजल हो गया, और इसी के कंपैरेटिव फ्रॉग में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर अपन पूरा वर्टिब्रेट के लिए बता दें तो जैसे फिश से लेकर के मैमल तक तो तीनों एक साथ नहीं है, ठीक है। फिश और जो एम्फीबियन है मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, और इनके अंदर हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। टेट्रापोड में इनिशियली जो एम्फीबियन में कुछ ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अपन नॉर्मली डेवलप नहीं, हाइपोफाइशियल एब्सेंट ही बताना, ठीक है। तो फिश में दो, फिश और एम्फीबियन में दो बता देंगे, ठीक है। रीनल और एक हिपेटिक हो जाएगा। रीनल इसलिए क्योंकि उनकी किडनी मीजोनेफ्रिक होगी। फिर रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल की अगर बात करें तो इनकी किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ठीक है, इसलिए इनको रीनल पोर्टल सिस्टम की नीड नहीं है। डेवलप टाइप की किडनी हो जाने के कारण रीनल की आवश्यकता नहीं है। इनमें हाइपोफाइशियल डेवलप हो गए तो इनमें हाइपोफाइशियल और आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो फिर सवाल ये भी बन सकता है कि कौन सा पोर्टल सिस्टम है जो सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है, सभी वर्टिब्रेट्स, सभी के अंदर, मतलब फिश से लेकर के मैमल तक हिपेटिक हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। Which is correct for the artery की अगर बात करें तो thick wall in which blood flows with the high pressure, बिल्कुल ठीक बात है। Artery की wall thick होती है और vein जो है वो क्या कहलाती है? Thin कहलाती है। और इसके लिए अगर responsibility अगर मैं बात करूँ तो जो media, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, तीन लेयर पाई जाती है इनकी वॉल में। ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी होने के कारण इनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और ये थिक वॉल है, ये एक अडेप्टेशन है कि ब्रस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनमें प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है। थिन वॉल होती है, गलत बात, थिक वॉल एंड ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा अपना 41। करेक्ट, देखना हमने ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा है 55% के अलावा फॉर्मड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट की बात कर रहा है। प्लाज्मा ब्लड माइनस पूरी सेल्स होगी, केवल लिम्फोसाइट ही नहीं, तीनों टाइप जो फॉर्म्ड एलिमेंट अपने को प्लाज्मा। लिम्फ की बात करें प्लाज्मा प्लस आरबीसी, आरबीसी नहीं आएगा, इसकी वजह से रोम हो गया। बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा 42। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर तो तब आएगा जब वेंट्रिकल से ये रेस्पेक्टिव आर्क में जो है ये फ्लो करेगा, ठीक है। और ऐसा कौन सा चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल टू एओर्टा। राइट वेंट्रिकल तो एओर्टा नहीं होगा, वो तो पल्मोनरी एओर्टा कह सकते हो या पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हो इसको, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा 43। जी सर, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सा आंसर इसका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना। और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना कहने का मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंडीशन कैसी थी? 120/80 mmHg। अब ये कंडीशन बढ़ जाना, सिस्टोलिक भी बढ़ जाएगा, ये डायस्टोलिक भी बढ़ जाता है, 140/90 कह सकते हैं। बिल्कुल, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन 140/90 हो जाती है। और यही कंडीशन अगर सर कितनी हो जाए 220/110 अगर हो जाती है तो ये लीथल भी बन जाती है। और मान लो कॉन्स्टेंटली किसी में ऐसा है तो फिर वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। द रिदमिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एक्सीलरेटर एंड इनहिबिटर न्यूरॉन्स। अभी बताया था मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। और मेडुला ओब्लोंगेटा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिदम सेंटर है, वो वहां पे डोर्सल रेस्पिरेटरी और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और उसके अलावा एक और पाया जा रहा था, कौन से रीजन में? कौन से रीजन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। मतलब ये मेडुला ओब्लोंगेटा काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो लास्ट में जहाँ पर डिसऑर्डर बता रखे हैं वहां पर एक चीज और भी लिखी हुई है, वोमिट सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि जो भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो पूरी बॉडी पे असर हो सकता है, लेकिन इस एरिया में नहीं होता, मेडुला पे नहीं होगा, ठीक बात है। ये भी लकीली हम लोग रहे इसके लिए, मान लो इस पे हो जाए तो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रुक जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ये काफी अच्छा नॉलेज था बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो एनेस्थेटिक जो भी इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं अगर ये अफेक्ट कर जाते हैं मेडुला को तो फिर ये अनदर एक्टिविटी जो भी ये कंट्रोल करवा रहा है, कई जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ना विसरल ऑर्गन की वो रुक जाती है। बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, किसका? वो आपको बताया था पूरा का पूरा न्यूरोमस्कुलर पाथवे, ये कह रहा था मसल फाइबर, सॉरी
मसल फाइबर है जो न्यूरॉन्स की तरह एक्ट करती है, कंडक्शन का काम करवाती है, तो मसल फाइबर करेक्ट आंसर चला जाएगा। 46 फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ना, फॉर्म्ड एलिमेंट तीनों ही होंगे, नहीं है ऑप्शन नंबर 4 इसका जी। 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्वड इन डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो कौन सा कहलाएगा, ग्लोबुलिन कहलाएगा, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन भी सुन लीजिए, जैसे अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन तीन होते हैं तो गामा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्म्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। एल्बुमिन की अगर बात करें तो ये तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन से लिंक होता है और फैटी एसिड के कैरियर के रूप में भी होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला हो गया और फाइब्रिन हो गया, ब्लड क्लॉटिंग से क्लॉटिंग में हो गया दोनों। 48 हो जाएगा जी। फोर चैंबर हर्ट की बात की जा रही है सुनील जी, और ये फोर चैंबर हर्ट जो है वो बर्ड्स और मैमल में है, और रेप्टाइल में देखे तो केवल क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर होता है जिसमें एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों आ जाते हैं, यहाँ पर मैमल भी आ गया, बर्ड्स भी आ गए, रेप्टाइल में ओनली क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चारों में जाए। तो ये थे सर क्वेश्चन 48 आज हो गए, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम के, ये अगली वीडियो में जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे सर, विदा लें बच्चों से, बिल्कुल ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।